जब माता सीता ने काली का रूप धारण कर किया था सहस्रमुख रावण का वध, महर्षि वाल्मीकि ने कई वेद एवं पुराणों की रचना की जिन्हें आज भी पढ़ा जाता है। इन्हीं में से अद्भुत रामायण के विषय में कुछ ही लोग जानते हैं, जिसकी रचना महर्षि द्वारा की गई। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण के भाई सहस्रमुख रावण के हजारों मुख थे। रावण के वध के बाद श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौट आए। तब एक बार माता सीता ने प्रभु को स्मरण कराया कि रावण का भाई जीवित है। इसके बाद श्री राम के साथ माता सीता, विभीषण, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, हनुमान जी सभी युद्ध के तैयार हुए। युद्ध के दौरान श्री राम मूर्छित हो गए और यह देखकर माता ने काली रूप धारण किया। माँ काली के विकराल रूप ने सभी को भयभीत कर दिया। इसके पश्चात माता ने सहस्रमुख रावण का वध किया और उसकी सेना को छिन्न कर दिया।